Hello, good morning, India. Live from studio. आज ही subscribe करें wifistudy channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें academy पे follow कर सकते हैं. Hello, good morning. Hello friends, welcome to wifistudy changing the way of learning a part of an academy. मैं रामवीर राजपूत स्वागत करता हूँ इंडिया के number one study journaling channel wifistudy में. तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्वेश्चंस लेने वाले हैं, क्वेश्चनों की बाहर आने वाली है. धीरे धीरे क्वेश्चन और ज़्यादा लेंगे है ना, तो लगभग हम अच्छे क्वेश्चंस लेने वाले हैं है ना. तो डीजल मैकेनिक के आज क्वेश्चंस का सिलसिला जारी हो चुका है और डीजल मैकेनिक के एक एक क्वेश्चन को आपको जवाब देते चलना है. एग्ज़ाम तक लगभग अपने को 1000 प्लस क्वेश्चन के लगभग में पहुँच जाना है, ठीक है. तो अपने को इस हिसाब से काम करना है. आज लगभग आपके 7 तारीख है ना, 8 तारीख है, और 8 तारीख से अगर अपन देखते हैं तो लगभग 18 तारीख तक या 17 तारीख तक तो अपने 10 दिन टोटल होते हैं. तो 10 दिन के अंदर अपन धीरे धीरे कम से कम क्वेश्चन के लगभग 800 से 1000 के बीच में अपन पहुंचेंगे. लगभग 800 क्वेश्चन तो पहुंचना ही चाहिए ना, तो अपने को लगे रहना चाहिए ना. थोड़ा सा ध्यान दो अब क्वेश्चन की तरफ है ना. क्वेश्चन वही है जो अपन पढ़ रहे हैं, उनमें से ही क्वेश्चन बैठ जाएगा 100%. और अगर अपन को लगता है कि भाई अपन को थोड़ा टाइम कम हो रहा है, कम मिल रहा है, तो अपन सैटरडे संडे में आकर के अपने किस को क्लास को कंटिन्यू करके और बढ़िया क्वेश्चन सीरीज वगैरह लेकर के और शानदार तरीके से उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है. तो आज से हमारे क्वेश्चन का पूरा सिलसिला शुरू हो रहा है. तो अपना डीजल मैकेनिक का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा भाई. क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्विच करो. हाँ देखो, अपने को दिखाई दे रहा होगा और आप लोग जवाब भी दे सकते हो. जल्दी दो जवाब क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है. अभी फास्ट काम करो, ऐसा काम मत करो जैसे गुड मॉर्निंग. अरे भाई तुम लोग है ना, बिल्कुल सुबह सुबह एकदम जा खड़ा कर देते हो मामला है ना कि नहीं. जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट. एक पेट्रोल इंजन में पेट्रोल क्या होता है, बाहर ही जल जाती है और गैसें सिलेंडर में प्रविष्ट हो जाती हैं, ठीक है. दबाव द्वारा सीधे सिलेंडर के अंदर प्रविष्ट होती है. इंजन में सिलेंडर में जाने से पूर्व वाष्पित होकर मिलाई जाती है. सिलेंडर में बूंद बूंद करके गिरती है. बताइए क्या आंसर होगा. सीधा सीधा है क्वेश्चन का, सीधा सीधा आंसर अपना क्या आ रहा है, सी आ रहा है. इंजन के सिलेंडर में जाने से पूर्व वाष्पित, यानी वाष्पित करने का काम, वेपोराइज करने का काम तो कार्बोरेटर का होता है. पहले तो मिश्रण को छोटे छोटे कणों में तोड़ना और फिर से वाष्पित करना, ठीक है. तो ये काम किसका है, कार्बोरेटर का. आंसर सी. अगले क्वेश्चन पर एक 4 स्ट्रोक इंजन में चक्र पूरा होता है. चतुर्घात इंजन में चक्र, इंजन में चक्र पूरा होता है. चतुर्घात से मतलब 4 स्ट्रोक हैं. बताइए क्या आएगा आंसर. पिस्टन के 4 स्ट्रोक में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, पिस्टन के 1 स्ट्रोक में, बताओ. अरे इस क्वेश्चन का जवाब देना है अब.
टाइम क्यों लगा रहे हो? काफी लोग जो हैं वो सी ऑप्शन दे रहे हैं, है ना? आंसर है 4 स्ट्रोकों में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी में स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है? जल्दी संख्या बढ़ाओ अपनी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक से शेयर करो कि भाई क्वेश्चन सीरीज चालू हो गई यहाँ पर, और क्वेश्चन सीरीज है और इस एक तरीके से क्रैश मार्क क्रैश कोर्स टाइप मान सकते हो आप। मोटर गाड़ियों में स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है? कंप्रेशन के अवघात में, कंप्रेशन के मतलब कंप्रेशन अवघात के अंत में, पावर अवघात के अंत में, एग्जॉस्ट अवघात के अंत में, या चूषण अवघात के अंत में? आंसर आपका ए आएगा, कंप्रेशन के लास्ट टाइम पर। वेंकल रोटरी इंजन का रोटर घूमता है ऊपर से नीचे, इंसेंट्रिक, ऊपर से नीचे, इनमें से कोई नहीं केंद्र में। ये इंजन भी था, ये भी इंजन था, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक के अलावा ये भी इंजन था, व्हीकल इंजन, व्हीकल रोटरी इंजन। ये काम नहीं किया इसने ज्यादा, इसमें डी आपका ऑप्शन रहता है, ज्यादा कम दक्षता है इसकी, इसलिए यूज में नहीं लिया जाता, ठीक है। ये भी इंजन बनाया गया था। निम्न में से किस इंजन की नींव, किस इंजन की नींव कहा जाता है? फास्ट, किस इंजन की नींव कहा जाता है? नींव तो तीन तीनों को ही कहेंगे, किसी और को थोड़ा कहेंगे। आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न, सुपर चार्जिंग का क्या अर्थ है? वायुमंडलीय दाब पर हवा भरना, वायुमंडल दाब से कम दाब पर हवा भरना, इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल दाब से अधिक दाब पर हवा भरना, सोच लो जरा जल्दी। शाबाश, आपका आंसर डी रहेगा, कोई प्रॉब्लम। निम्न में से कौन सी क्रेंक शाफ्ट तथा केम शाफ्ट के लिए हाउसिंग का कार्य करता है? गुड मॉर्निंग, सब लोग आने से पहले ही गुड मॉर्निंग करते हैं भैया, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो क्वेश्चन जो चल रहा हो। आंसर है क्रैंक केस, ए ऑप्शन रहेगा। सिलेंडर लाइनर क्या है? ये मैंने आपका लाइनर यहाँ बनाया हुआ है, सिलेंडर है, ऊपर से लाइनर नीचे की साइड डाला जा रहा है, और डालने के बाद में फिर इसके अंदर पिस्टन चलेगा, यानी कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलेगा, टीडीसी बीडीसी और लाइनर के संपर्क में रहेगा। तो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन चलता है उसे ही क्या कहते हैं, वो सिलेंडर के अंदर जो खोखली नली रहती है उसे क्या कहते हैं, लाइनर कहते हैं, जो सिलेंडर को घिसने से बचाता है। सिलेंडर को घिसने से बचाने का कार्य लाइनर का होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, निम्न में से किसके संपर्क में पानी नहीं रहता है? नहीं रहता है,
ड्राई मतलब सूखा, और सूखे के संपर्क में कभी पानी नहीं रहता है, गीले के संपर्क में रहता है। किसमें जंग लगती है? किसमें जंग लगती है? तो आपका आंसर यहां आएगा भाई, किसमें जंग लगती है? तो जंग उसमें लगेगी जिसके साथ पानी संपर्क में रहेगा, और पानी संपर्क में पता है किसके साथ रहता है? ड्राई के साथ संपर्क में रहता है। ठीक है, तो ड्राई लाइनर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। निम्न में से किसकी बाहरी सतह फिनिश की जाती है? ड्राई लाइनर केवल ड्राई लाइनर की ड्राई लाइनर जो होता है ना, ड्राई लाइनर जो रहता है उसकी पूरी सतह सिलेंडर के कांटेक्ट में आती है। वीट लाइनर की केवल थोड़ी सी सतह कांटेक्ट में आती है, वो भी कांटेक्ट में कम ना के बराबर आती है, उसमें भी रिंग वगैरह लगती हैं और वाशर वगैरह लगते हैं, तब जाकर वो उपयोग में लिया जाता है। तो आप सोचो ग्राइंड किसे करना पड़ेगा भाई, अगर ड्राई लाइनर को पूरी तरीके से सिलेंडर के अंदर फिट करना है और ढंग से फिट करना है तो इसकी ऊपरी सतह को ग्राइंड करोगे, चिकना बना दोगे, तब जाकर वो अंदर जाएगा। वीट लाइनर में ये करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये संपर्क में आता ही नहीं है, दूर रहता है थोड़ा सा, क्योंकि इससे पानी के कॉन्टेक्ट में आता है, इसके चारों तरफ पानी भरा रहता है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हाँ, पिस्टन के लिए एल्यूमिनियम एलॉय का कंपोजिशन के लिए क्या होनी चाहिए? अब सोच लो थोड़ा, पिस्टन किसका बनता है? एल्यूमिनियम एलॉय का बनता है, तुम सबको मालूम है एल्यूमिनियम एलॉय का। अब एल्यूमिनियम एलॉय का यानी कि मेन धातु, मुख्य धातु क्या होगी? एल्यूमिनियम होगी। अब तुम सोचो दिमाग से क्या लगा कर क्या होगे, क्या करोगे सुंदरकांड? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सी। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से क्या होता है? बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है? जल्दी फास्ट। हाँ, आंसर होगा व्यास क्या होगा? कम होगा, अधिक होगा? पिस्टन का सिलेंडर के व्यास से क्या होगा? कम होगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी आपका आंसर आ जाएगा। चले आगे। हाँ, पिस्टन की रिंग, पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप रखा जाता है। पिस्टन की रिंग का गैप क्या है? रिंग का गैप, तब इस गैप, इसकी गैप कितना रहेगा, कितना रहेगा ये आप याद कर लेना, इसको मैं डायरेक्ट ही लिखवा देता हूँ। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट, निम्न में से गजन पिन किसको कहा कहते हैं? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ गजन पिन किसे कहते हैं? पिस्टन पिन को गजन पिन कहते हैं। आंसर क्या आएगा? सी रहेगा। फ्लाईव्हील निम्नलिखित में से किसका बना रहता है? लकड़ी का, एल्यूमिनियम का, तांबे का, के स्टील का? सब क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई भी एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना, सब पुराने क्वेश्चन है। स्टील का वैसे तो कास्ट आयरन का होता है ना,
कास्ट स्टील का या आयरन का कह सकते हैं ना, ठीक है। अगला है रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अपेक्षा व्हीकल रोटरी इंजन, व्हीकल रोटरी इंजन जो मैंने आपको बताया नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, ये इस तरीके का होता है और इसके अंदर इस तरीके का कंपोजिशन क्या होता है, घूम रहा होता है, ठीक है। इसमें ये शाफ्ट होती है, ये वाला भाग तो क्या रहता है, स्थिर रहता है, इसमें ही एक तरफ सक्शन हो जाता है, फिर इसमें कंप्रेशन हो जाता है, फिर पावर हो जाती है और ये हमेशा घूमता रहता है। तो इसका आकार हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है, यंत्र है जो परिवर्तित करता है मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, मैकेनिकल को हीट में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। बताइए जल्दी क्या आएगा आंसर। हीट एनर्जी को मैकेनिकल में, बी आपका आंसर रहेगा। टफ नहीं आने वाला है पेपर, सिंपल आता है आप क्वेश्चन, तुम्हें सिंपल लग रहे हो सबको, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस इंजन को फ्यूल कंबक्शन सिलेंडर के अंदर होता है, फ्यूल का कंबक्शन सिलेंडर के अंदर होता है, तो आंतरिक दहन इंजन, बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस इंजन का पावर कम होता है, अंतर्दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन, पावर कम होता है, एक मील और निम्न में से किस इंजन का पावर कम होता है, तो पावर हमेशा कम रहता है, किसका रहता है, आंतरिक दहन का कि बाह्य दहन का। भाई सीधी सी बात है, आंतरिक दहन तो जबरदस्त पावर दे रहा है, तभी तो रेलगाड़ी दौड़ रही है, तो आप क्या लिखाओगे, बाह्य दहन, दहिर दहन यानी बाह्य दहन, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसके पावर अधिक उत्पन्न होती है, पावर किस में सबसे ज्यादा होती है, थ्री स्ट्रोक होता है क्या, नहीं होता। रेलगाड़ी में कौन सा होता है, टू स्ट्रोक होता है, फोर स्ट्रोक होता है, रेलगाड़ी में टू स्ट्रोक रहता है जो 50 डब्बों को खींचती है, ट्रक के अंदर फोर स्ट्रोक रहता है जो एक ही बेचारा अकेला चल रहा होता है। निम्न में से किस मैकेनिकल, किसकी मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है, दक्षता किसकी अधिक होती है, खपत किसकी कम रहेगी, जब खपत कम होगी तभी तो दक्षता बढ़ेगी। बी फोर स्ट्रोक इंजन की। अगला है कंप्रेशन रेशियो इज, आप यहां लिख लेना, आपको यहां पर जगह भरनी है, कंप्रेशन रेशियो अनुपात किसे कहा जाता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन स्विफ्ट वॉल्यूम, जरा देख लो यहां पर, तो कपड़े फाड़ोगे फिर बाद में तुम लोग, बोले यार सर ये तो बताया ही नहीं था। देखो यहां पर होता है क्लियरेंस वॉल्यूम सीवी, ठीक है, और यहां पर इसके और इसके बीच में क्या होता है, इसके और इसके बीच में ये होता है एसवी, ठीक है। और अगर आप पूरे को ले लेते हो ना, ये हो जाता है टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो कंप्रेशन पाथ जैसे पूरे इंजन का है, पूरे इंजन का इसका इसका है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर,
है ना, सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना, सीसी में होता है इंजन, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो जब अपन टोटल, तो अपन क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, तो अपना क्या निकल के आया, 11:1 हो गया। ये पेट्रोल का तो अंतिम रहता है और डीजल का प्रारंभिक रहता है, तो स्वेप्ट अनुपात आंसर क्या आ जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम, इतनी टोटल वॉल्यूम अपॉन किलरेंस वॉल्यूम नहीं दे रखा गया इसके अंदर, दो सेकेंड मेरे क्वेश्चन बदलना पड़ेगा वहां पे, दो सेकेंड कंप्रेशन रेशियो थोड़ा कम ही है इस क्वेश्चन में ना, तो आप एक तो हम ये बोल सकते हो किलरेंस वॉल्यूम, किलरेंस वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, या टोटल वॉल्यूम अपॉन किलरेंस वॉल्यूम, ठीक है, यही होता है आपका अनुपात, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ किलरेंस वॉल्यूम, सीवी लिखा हुआ, सीवी अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, ये होगा, है ना क्वेश्चन, ठीक है, अब सही कर लेना आप, सीवी अपॉन क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, पिस्टन टीडीसी, पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे खाली स्थान को क्या कहते हैं, अरे अब तो दे दो जवाब, नहीं मत दो मेरे को, क्या है, पेपर भी देने में चला जाऊंगा, बी आपका किलरेंस वॉल्यूम, पिस्टन टीडीसी और बीडीसी के बीच चूषित गैसों का आयतन क्या होता है, इसको देख लेना, कम समय दिया था, बी होगा, है ना, अगले पॉइंट पर चल रहा हूं मैं। अब पिस्टन के टीडीसी और बीडीसी के बीच चूषित गैसों का आयतन क्या कहलाता है, टीडीसी और बीडीसी के बीच चूषित गैसों का आयतन क्या कहलाता है, जल्दी बताओ फास्ट, अरे भाई टीडीसी और बीडीसी के बीच अभी तो लिखा था, टीडीसी से बीडीसी लिखा, यार तुम लोग है ना, तुम मन करता है कि यार तुम्हारे है ना मोबाइल में से निकल के दो चार तुम्हारे लगा ही दूं आज, स्वेप्ट वॉल्यूम एसवी, ऐसे ऐसे आंसर लिख करके भेजते हो जो दिमाग खराब हो जाता है, बी भी लिख रहे हैं बताओ सारे के सारे, हाँ सिलेंडर के आंतरिक व्यास को क्या कहते हैं, बोर, निम्न में से कौन सा इंजन साइकिल के अंतर्गत घटित होने वाला स्ट्रोक नहीं है, हो गया डी, सारे तो होते ही हैं, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, नहीं बोलोगे, ठीक है, इसे क्या कहते हैं बताओ, टीडीसी, ए ऑप्शन, टीडीसी कहते हैं उसे। तो अगला, पिस्टन के अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर किस चरम बिंदु के नीचे तक, पिस्टन पिस्टन अपने स्ट्रोक में किस नीचे चरम बिंदु तक नीचे जाता है, वह बिंदु क्या कहलाता है, 29 नंबर क्वेश्चन चल रहा है आपका, बोल दो देवताओं, हाँ बीडीसी, तो नेक्स्ट बोल, एक में नेक्स्ट बोलने वाले भी हैं, तो बीडीसी, ठीक है, पढ़ लेना इनको, ये सब क्वेश्चन वही करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन छांट छांट के करा रहा हूँ, हाँ पिस्टन डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, अरे सूत्र लगाना, कौन सा वाला,
ये बेलन का आयतन, तुम्हें केवल बेलन का आयतन निकालना है, पिस्टन यहाँ से चलेगा यहाँ पहुँचेगा तो अपने को आयतन निकालना है, तो ये तो आपकी हो जाएगी L, L और ये क्या हो जाएगी आपकी D, और बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आयतन होता ना फॉर्म बेलन का, पाई वैसा का वैसा ही आर डी वाई टू का होल स्क्वायर इंटू एच, तो पाई डी स्क्वायर चार गुणा एच, एच की जगह आप क्या ले लो, मैंने लिख दिया एच डी स्क्वायर एल ले लो है ना, अपॉन फोर कर लो यहां पर, अब देख लो किससे शकल मिल रही है, पाई डी स्क्वायर एल, पाई बटे फोर डी स्क्वायर ए, हाँ पिस्टन में अतिरिक्त तेल की खपत निम्नलिखित के कारण होती है, क्या होगा, तीनों पढ़ लो, तुम पढ़ने में आ रहा है नहीं आ रहा है, आगे पढ़ने में बोल दो उपयुक्त सभी, भाई घिसी हुई पिस्टन रिंग हो तो भी मामला गड़बड़, इंजन के तेल में की गुणवत्ता शांता बेकार हो तो भी बेकार है, और गास्केट से तेल का रिसाव हो जाए तो आपका डी पे कर दो ना सीधा सीधा आंसर डी, ये सारे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया ध्यान रखना, मैं बनाता तो फिर तो मेरा हवा टाइट हो जाती अभी तक, तो डीजल इंजन में टर्बुलेंस होने से निम्नलिखित की निश्चित होती है, आयतनिक दक्षता गति संपीड़न दबाव से इंजन को हवा में शीघ्र संपर्क में लाना, इंजन में कंपन आदि में वृद्धि होती है, बोलते हैं टर्बुलेंस कर रहा है यार इंजन आपका, गाड़ी टर्बुलेंस कर रही है, इंजन टर्बुलेंस कर रहा है, इंजन में कंपनों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, चंपीटर दहन इंजन में वास्तविक ऊर्जा मिलती है,
स्ट्रोक के फैलने पर केवल वायु चक्षण में क्या आएगी, केवल वायु आएगी। समान अश्व शक्ति में डीजल की तुलना पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत होगी। क्वेश्चन में बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं समान अश्व शक्ति के लिए, मतलब एक समान अश्व शक्ति लेनी है ना, और इंजेक्टर के द्वारा ही डीजल को स्प्रे करना, इंजेक्टर के द्वारा ही डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत होती है। अगर इंजन वर्ड दे रखा है तो आपका काम हो जाएगा, और अगर इंजन वर्ड को ही हटा देना तो आपका अधिक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक ही से अपन क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप किस पर जाना पसंद कर रहे हैं? इंजन दिया हुआ, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया, पेट्रोल इंजन अलग कर दिया, डीजल इंजन अलग कर दिया, तो अब आपका अधिक हो जाएगा। और अगर इंजन वर्ड को ही हटा देना यहां से, तो फिर समान अश्व शक्ति के लिए आपका नहीं, सॉरी गलत हो जाएगा अभी तो। हाँ, समान अश्व शक्ति के लिए डीजल की तुलना में पेट्रोल इंजन बोल रखा है ना, इस कारण से हमेशा समान अश्व शक्ति के लिए डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत अधिक होती है। विशिष्ट पेट्रोल की खपत क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अधिक होगी पेट्रोल इंजन की में ईंधन की खपत क्या होगी, अधिक होगी। एक डीजल इंजन में ईंधन ज्वलित होता है, डीजल जो इंजन होता है उसमें ईंधन ज्वलित होता है किससे, चूषण के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा। आपका आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा आपका आंसर। किसी चार स्ट्रोक वाले इंजन में चारों स्ट्रोकों के स्थान पाने का क्रम क्या होता है, इससे अगली क्लास में ही प्रकट हो जाना देवताओं। सारे के सारे कारण बताता हूँ, फिटर के अंदर चल रही वेल्डिंग का टॉपिक लूंगा, क्रैश कोर्स टाइप, है ना। तो जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी वेल्डिंग जितना हो सकेगा उतना वेल्डिंग कवर करा दूंगा, है ना। ये है टाइम रिविजन, जितना पढ़ा है रिविजन कर लो, नया नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी, जिससे आपको परेशानी हो जाए। डी, और थोड़ी संख्या बढ़ाओ यार, सुबह आ रही है, अच्छी बात है। हाँ, सुबह 7-6 बजे की क्लास में अगर आप 500 बच्चे भी हो तो बहुत है, 6 बजे मायने रखता है यार। और ओनली डीजल मैकेनिक के, ऑल ओवर ट्रेड के तो फिर भी कोई बात नहीं। शाफ्ट में केम का प्रयोग होता है उत्केंद्रक के रूप में, उत्थापक के रूप में या उत्केंद्रक के रूप में, ए आंसर रहेगा।
ठीक है। फोर स्ट्रोक इंजन में साइकिल पूरा होता है, पिस्टन के चार स्ट्रोक में, पिस्टन के दो स्ट्रोक में, पिस्टन के एक स्ट्रोक में, पिस्टन के तीन स्ट्रोक में, बताइए क्या आएगा आंसर। चार स्ट्रोक में। कौन सा बाह्य दहन इंजन एक्सटर्नल कम्बशन इंजन नहीं है? पवन चक्की डीजल इंजन जो है वो इंटरनल कम्बशन है, आईसी है, ठीक है। ऐसा इंजन में अवशोषण स्ट्रोक के समय, चूषण के अवशोषण और स्ट्रोक के समय, जो ऐसा ही इंजन होता है उसमें अवशोषण स्ट्रोक के समय बताइए क्या होता है इनमें से। चूषण स्ट्रोक के समय क्या होता है? पेट्रोल हवा का मिश्रण इंजन के अंदर चूषित किया जाता है। आपका आंसर क्या आएगा? ए रहेगा। चार स्ट्रोक इंजन बताओ, चार स्ट्रोक इंजन चालू कब होगा ये बताना है अपने को, क्रैंकशाफ्ट की दो परिक्रमा में, भी आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पिस्टन इंजन में पिस्टन की अधिकतम ऊपरी सीमा और अधिकतम निचली स्थिति कहलाती है, टीडीसी और बीडीसी। दो स्ट्रोक इंटरनल कम्बक्शन इंजन में दूसरा निचला स्ट्रोक होता है, दूसरा निचला स्ट्रोक, पहला वाला होता है सक्शन और कंप्रेशन, दूसरा वाला निचला होता है, दूसरा वाला होता है पावर तथा एग्जॉस्ट। चिल्ला चिल्ला के गला थक गया लेकिन अपन थोड़ा सुनेंगे। स्टार्टिंग के समय गैसोलीन इंजन इंजन की आवश्यकता होती है, अच्छे मिश्रण की, रासायनिक रूप से सही मिश्रण की, कमजोर मिश्रण की, उपयुक्त सभी। रासायनिक रूप से सही इंजन मिश्रण की, ठीक है, बी आपका आंसर होगा। क्रैंकशाफ्ट के केंद्र, तुम लोग गालियां मत देना भाई, मेरा गालियां देने का मतलब यह है कि तुम रोना मत, सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, समझ लेना थोड़ा सा। ये सिलेंडर है, सिलेंडर पूरा नहीं बना रहा मैं ना, आप तो ये मानो टीडीसी से कहाँ है बीडीसी और बीडीसी से कहाँ है टीडीसी, यहां से यहां के बीच की दूरी है ना, ये कहलाती है उत्थापक। ये क्या कहलाती है? उत्थापक, है ना। क्रैंकशाफ्ट के केनिंग पिन से क्रैंक केंद्र की दूरी, क्रैंक पिन से क्रैंक केंद्र की दूरी, क्रैंक पिन ये होती है क्रैंक, क्रैंक पिन से ये है क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थ्रो, नहीं दे रखा क्या?
ये उत्थापक है, मैं लिख देता हूं यहां, उत्थापक है ना, था आएगा उत्थापक, ठीक है। थ्रो बोलते हैं, आप तो सीधा सीधा याद रख लो थ्रो, थ्रो ठीक है, थ्रो बोलते हैं इसे। अब लिखा पेट्रोल इंजन का मुख्य संगठन क्या है, कि पेट्रोल इंजन मुख्य संगठन है तेरह में ए ही आएगा भाई, तेरह में ए आएगा, टीडीसी से बीडीसी लिखवाया मैंने और कुछ नहीं लिखवाया है भाई। तेरह के अंदर तेरहवें में अगर कोई कर रहा है ना कलेश, ध्यान रखो टीडीसी से बीडीसी है ना, ध्यान रखना और कुछ मत करना। कहाँ चल रहे थे, हाँ बताओ पेट्रोल इंजन का मुख्य संगठन क्या है, ऑक्टेन लगा दो डायरेक्ट ही आप तो, ठीक है। स्पार्क प्लग, स्पार्किंग प्रज्वलन का प्रबंधन में नहीं किया जाता, दो स्ट्रोक इंजन पेट्रोल इंजन में चार स्ट्रोक, पेट्रोल इंजन में चार स्ट्रोक, डीजल इंजन में उपयुक्त में सभी, स्पार्क प्लग में किए किसका उपयोग कहाँ नहीं किया, टू स्ट्रोक में, टू स्ट्रोक पेट्रोल में किया जाता है, करा जाता है, चार स्ट्रोक पेट्रोल में करा जाता है, करा जाता है ना। तो क्या लिखा है, स्पूलिंग दो स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन का प्रबंधन में नहीं किया जाता, नहीं नहीं पूछा इसने ना, तो नहीं के लिए तो आप तो क्या करो, सीधा सीधा किस पे चले जाओ, इसमें नहीं किया जाएगा, आपका सी ऑप्शन रहेगा। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज्यादा क्यों होते हैं, डीजल इंजन की बजाय कंपन ज्यादा क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, दाब अधिक होता है, क्या होता है भाई, दाब अधिक होता है किसमें, डीजल इंजन में दाब अधिक होता है, पेट्रोल इंजन में कम होता है, ठीक है। अपविस्फोटन सर्वाधिक होता, सर्वाधिक होगा यदि पेट्रोल में, अब विस्फोटन अधिक होगा, आइसो ऑक्टेन एन हेप्टेन टीआईडी द्वारा आइसो ऑक्टेन द्वारा, ठीक है, अगर ये मात्रा क्या रहेगी अच्छी, अच्छे मात्रा पहले ही जल जाएगा, ज्यादा अच्छा मिश्रण आइसो ऑक्टेन रहेगा ना तो आपका जल्दी जल जाएगा, ठीक है। तो भाई आज काफी क्वेश्चन लगभग अपन ने कवर अप किए हैं, ठीक है, आज की क्लास में।
और अच्छे क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आज के लिए अपन यही सभा को समाप्त करते हैं ना। डॉक्टर से मिलूं यार, डॉक्टर से क्या मतलब यार, एक बात बताओ, डॉक्टर जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है सर्दी ठंडी चीज और है ना और खट्टी चीजों से इन सब से दूर रहो यार, अपन तीनों से दूर नहीं रहते है ना। सर्दी से तो सर्दी ने तो मार ही दिया बिल्कुल है ना, पट है ना, सर्दी भी खतरनाक चल रही है, आप लोग भी दूर रहो, थोड़ा सर्दी से दूरी बनाए रखो ताकि स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये गड़बड़ हो गया तो सब मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। आपके चक्कर में तो मैं कोटा नहीं गया कल, ठीक है, यहीं पर ही रुका हूँ पूरा, तो बस लगा हुआ हूँ आपके लिए लगा हुआ हूँ पूरी तरीके से, 10 दिन के लिए मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपका हो जाएगा बिल्कुल बेफिक्र रहिए, केवल क्लास आप अटेंड करते रहे रेगुलर, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ में, और भी 50 क्वेश्चन की तैयारी करके आना, कल हो सकता है रेडिट वगैरह के और कार्बोरेटर वगैरह के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर यहाँ पर 50 क्वेश्चन में देखने को मिल जाए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, अगले कक्षा में फिर मिलेंगे।